रात के वक्त टिमटिमाते हुए तारों से भरे आसमान को देखकर हमारे दिमाग में सबसे पहले आने वाली इमेज ये है। इसमें भी हमारे दिमाग में एक ना एक बार सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इतनी पॉपुलेशन भरी दुनिया यानी हमारी अर्थ का मास वैज्ञानिक या साइंटिस्टों ने कैसे कैलकुलेट किया होगा। हमारी अर्थ का मास 5.972 गुना 10 की पावर 24 किलोग्राम है या 5.9 सेक्सटिलियन टन्स है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा है। तो आखिर कैसे साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों ने इसका मास मापा होगा। अगर हम अर्थ की बात ना भी करें तो केवल अर्थ से ही ऑब्जर्व करके हम बाकी प्लैनेट, स्टार एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ का मास, डेंसिटी, साइज बड़े ही एक्यूरेट तरीके से कैसे पता लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। जानने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें। आप अपनी स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हैं उसमें सभी प्लैनेट्स का मैग्निफिकेशन एक है, परंतु हमसे दूरी ज़्यादा या कम होने के कारण हमें इनका साइज इक्वल या बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है। प्लूटो की दूरी हमसे इतनी ज़्यादा है कि वो हमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है। जिससे पहले हम आगे की बात करें, हमें इनका डिस्टेंस अवश्य पता होना चाहिए। एक बार हमने इनका डिस्टेंस पता लगा लिया तो हम इनका मास, साइज एंड डेंसिटी बड़ी ही आसानी से पता लगा सकते हैं। आज से कई सौ साल पहले एक महान वैज्ञानिक कॉपरनिकस ने दो प्लैनेट का अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बड़ी ही आसानी से ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके पता लगाया। दरअसल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्री पर डिस्टेंस इतने बड़े मैग्नीट्यूड पर होते हैं कि उन्हें सिंपली मीटर या किलोमीटर में नहीं मापा जा सकता। इसलिए हम एक नई यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज़ करते हैं। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के बराबर होती है, जो कि 1.496 गुना 10 की पावर 11 मीटर होती है या 150 मिलियन किलोमीटर। कॉपरनिकस का यह मेथड केवल प्लैनेट के लिए ही वैलिड है, वो भी इन्फीरियर प्लैनेट। इन्फीरियर प्लैनेट्स वो प्लैनेट होते हैं जिनकी सन से दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कम हो। ये मेथड कुछ इस तरह काम करता है। जब कोई प्लैनेट हमसे किसी खास दूरी पर होता है जहाँ से सन, अर्थ और वो प्लैनेट मिलकर राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, तो हम उस प्लैनेट का अपने से तथा सन से डिस्टेंस बड़ी ही आसानी से ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके पता लगा सकते हैं। इसके लिए हमें प्लैनेट और अर्थ के बीच का एंगल भी पता होना चाहिए। तब हम प्लैनेट और सन के बीच की दूरी को एक्स लेट कर लेंगे और पृथ्वी और सन के बीच की दूरी हमें पता है, जो कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। यदि हमें एंगल की वैल्यू भी पता हो जाए तो हम बड़ी ही आसानी से साइन थीटा का फॉर्मूला लगाकर सन और प्लैनेट की दूरी माप सकते हैं। उदाहरण के लिए हम थीटा की वैल्यू मरकरी प्लैनेट के एंगल से चेंज कर देते हैं तो हमारे थीटा की वैल्यू 22.33 डिग्री है। यहाँ पर थीटा मरकरी और अर्थ के बीच का एंगल है। तब साइन थीटा का फॉर्मूला लगाकर हमारे एक्स अर्थात प्लैनेट और सन के बीच की दूरी 0.38 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आती है। वहीं आधुनिक मेथड से यही वैल्यू आती है, अर्थात कॉपरनिकस का मेथड एकदम सही था, पर इसके भी बहुत से लिमिटेशन हैं, जैसा कि ये केवल इन्फीरियर प्लैनेट के लिए ही यूज़ हो सकता है क्योंकि एक्सटीरियर प्लैनेट में ट्रिग्नोमेट्री मेथड वर्क नहीं करेगा, तथा इससे हम दो प्लैनेट मरकरी एंड वीनस का डिस्टेंस अर्थ से बड़ी ही सटीकता से निकाल सकते हैं। कॉपरनिकस के मेथड से हमने सूर्य और मरकरी के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया है,
जो कि 0.38 AU है। AU यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अब हम इसे 1 AU यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में से घटा देंगे, तब हमारे पास मरकरी और अर्थ के बीच की दूरी 0.62 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आती है, जो कि आधुनिक मेथड द्वारा मापी गई वैल्यू से कई हद तक मिलती है। अर्थात कॉपरनिकस का मेथड एकदम सही था, तथा हम इस मेथड की मदद से वीनस और अर्थ के बीच की दूरी भी पता लगा सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कॉपरनिकस मेथड केवल इंटीरियर प्लैनेट के लिए ही है, तो एक्सटीरियर प्लैनेट के लिए हम केपलर मेथड का यूज़ करते हैं। केपलर मेथड से न केवल एक्सटीरियर प्लैनेट बल्कि हम इंटीरियर प्लैनेट का डिस्टेंस भी बड़ी ही आसानी से पता लगा सकते हैं। केपलर के अकॉर्डिंग प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, तथा सन की पोजीशन उस इलिप्टिकल ऑर्बिट की फोकाई है। प्लैनेट के ऑर्बिट पीरियड के टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होता है। यहाँ सेमी मेजर एक्सिस प्लैनेट का सन से अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है, ये लॉ केपलर ने दी थी। अगर हमें प्लैनेट का ऑर्बिट टाइम पीरियड पता है तो हम उसकी सन से दूरी बड़ी ही आसानी से पता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अर्थ का टाइम पीरियड 365 डेज या 1 साल है, वहीं सैटर्न का टाइम पीरियड 29 साल है। अर्थ की सन से दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, वहीं शनि ग्रह और सन के बीच की दूरी हम एक्स लेट करते हैं। केपलर के मेथड से हम बड़ी ही आसानी से एक्स की वैल्यू यानी शनि ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी पता कर सकते हैं। केपलर के मेथड यूज़ करने पर शनि ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी 9.6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आती है, जो कि ट्रू वैल्यू के एकदम करीब है। पर केपलर मेथड की भी लिमिटेशन है, ये केवल सोलर सिस्टम के प्लैनेट के लिए ही वैलिड है। एक्सोप्लैनेट के लिए हम पैरेलेक्स मेथड और रडार मेथड का यूज़ करते हैं। पैरेलेक्स मेथड और रडार मेथड के ऊपर हम चर्चा तब करेंगे जब हम अर्थ तथा किसी प्लैनेट की साइज के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पैरेलेक्स मेथड डिस्टेंस के साथ साथ साइज में भी बड़ी भूमिका निभाता है। किसी भी प्लैनेट का मास जानने के लिए जितना उसकी अर्थ से दूरी डिपेंड करती है, उतना ही उसका मून भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। मास जानने के लिए हमें मून का ऑर्बिटल टाइम पीरियड तथा उस प्लैनेट की उसके मून से दूरी पता होनी चाहिए। पहले हम अपने अर्थ की बात करते हैं। अर्थ का मून से डिस्टेंस हम रेडिएशन मेथड से निकाल सकते हैं। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मून तक भेजते हैं तथा वापस टकरा के आने तक का इंतज़ार करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं। उनकी स्पीड 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है, तथा हम स्पीड का बेसिक फॉर्मूला लगाकर उनका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वापस आने में 2.562 सेकंड लगता है। इसका आधा समय चांद पर पहुंचने में लगा होगा, जो कि 1.281 सेकंड है। तब डिस्टेंस के फॉर्मूला लगा करके हम बड़ी ही आसानी से अर्थ का मून से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, जो कि 384,400 किलोमीटर आता है। तथा हमें अपने मून का ऑर्बिटल टाइम पीरियड पता है, जो कि 27 दिन का है। सर आइज़ैक न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ मोशन तथा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को केपलर की थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेट से मिला करके एक इक्वेशन डिराइव की, जो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर कैपिटल जे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है, तथा वहीं एक्स यहाँ पर प्लैनेट और मून के बीच की दूरी है, तथा टी वहाँ पर ऑर्बिटल पीरियड है। हमारे लिए अर्थ और मून के बीच की दूरी 384,400 किलोमीटर है, वहीं ऑर्बिटल टाइम पीरियड 27 दिन है। तथा जनरली हमें पता है कि प्लैनेट के मुकाबले मून का मास बहुत ही छोटा होता है, तो हम उसकी वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तथा
अब इन डाटा को जब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास अर्थ के मास की वैल्यू 5.972 × 10^24 किलोग्राम आता है, जो कि एकदम सही है, या इसे हम 5.9 सेक्सटिलियन टन्स भी कह सकते हैं। अब रही बात सन के मास की, तो हमें सन और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस पता है, जो कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तथा अर्थ का ऑर्बिटल टाइम पीरियड 1 ईयर यानी 365 डेज है। इस डाटा को पुट करके हम सन का मास भी बड़ी ही आसानी से पता लगा सकते हैं, जो कि 1.989 × 10^30 किलोग्राम है। यहाँ पर अर्थ का मास सन के मास के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इसलिए हम इस फॉर्मूले में अर्थ के मास को भी नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब रही बात बाकी प्लैनेट्स की, तो उनके लिए हम रडार मेथड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मून का डिस्टेंस हम अपने अर्थ से केवल रडार मेथड से ही ऑब्जर्व करके नहीं पता लगा सकते, क्योंकि बीच में बहुत ऑब्जेक्ट होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन पैदा कर सकते हैं। इसीलिए जब हमने पहले कॉपरनिकस मेथड तथा केपलर मेथड से इनके बीच की दूरी मापी थी, वो हमारी इसमें मदद करेगी। आप अपने स्क्रीन पर जो फॉर्मूला देख रहे हैं उसमें स्मॉल r मून तथा प्लैनेट के बीच की दूरी है, कैपिटल r अर्थ और प्लैनेट के बीच की दूरी है, जो कि हमने केपलर मेथड या कॉपरनिकस मेथड से निकाली थी, तथा थीटा प्लैनेट और मून के बीच की एंगुलर सेपरेशन है, जो हम अपने टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करके उसका एंगल पता लगा सकते हैं, तथा हम इन सभी वैल्यूज़ को पुट करके बड़ी ही आसानी से किसी भी प्लैनेट का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रही बात उन प्लैनेट की जिनके पास मून नहीं है, उनका मास फाइंड करने के लिए हम वहाँ पर एक सैटेलाइट भेजते हैं, तथा उस सैटेलाइट का ऑर्बिटल टाइम पीरियड तथा उसकी उससे दूरी ऑब्जर्व करके हम उस प्लैनेट का मास भी पता लगा सकते हैं जिसके पास कोई मून नहीं है। अब रही बात इसका एक और एक्सेप्शन है, प्लूटो जो कि एक ड्वार्फ प्लैनेट है, उसके मून कैरोन का मास तथा प्लूटो के मास में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए हम प्लूटो और उसके मून कैरोन के मास को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिससे ये फॉर्मूला यहाँ पर लिमिटेशन दिखा देता है। इसके लिए हम अन्य फॉर्मूलाओं को यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अब रही बात एक्सोप्लैनेट की, जो कि हमसे कई प्रकाश वर्ष की दूरी पर होते हैं तथा हम वहां तक सैटेलाइट्स नहीं भेज सकते हैं, तो उनका मास आखिर अर्थ से ही ऑब्जर्व करके कैसे कैलकुलेट करते होंगे, इसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड मस्ट सब्सक्राइब कॉस्मिक एनाटॉमी, बिकॉज इट्स नॉट द एनालिसिस, इट्स एनाटॉमी।